टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम शील फाटा पर और कौसर होटल के बाजू में ही भयानक आग लगी है। आप देख सकते हैं आग की, ये आग कितनी भयानक थी। करीब बताए जा रहे हैं कि 6 से 7 काले इस आग में जलकर राख हो गए हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो है, आपको बता दें, जहाँ से आग लगी है वो जो है गैरेज की दुकान थी और उसके बाजू में ही एक टायर की दुकान थी, जिसमें भयानक रूप पकड़ा आग का। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आग जो है यहाँ के 6 से 7 गालों को अपने चपेट में ले ली। ज्यादातर यहाँ पर गाले जो थे वो भंगार के थे और सोफे गद्दे के, इस तरह के जो यहाँ पर गाले थे। बहरहाल जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को मिली, 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंची है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। और जो कौसर होटल के मालिक इमरान है वो यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने सबसे पहले देखा कि आग कैसे लगी थी, उन्हीं से बात करते हैं। इमरान भाई, आग कैसे लगी थी? सलामुद्दीन भाई, जब मुझे ये मालूम पड़ा कि आग यहाँ पे लग चुकी, पहले आग एकदम छोटी सी थी, ये गैरेज था यहाँ पे, वो गैरेज बंद था, ताला लगा हुआ था, उसमें शायद मे भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें एक छोटी सी आग थी। आजू बाजू वाले हम पड़ोसी थे, गाले वाला मौजूद नहीं था, तो मालूम पड़ा कि आग लगी। तो अपने यहाँ पानी जस्ट आया ही था, हम लोग होटल साफ करने के लिए पानी चालू किए हुए थे, तो मैं बोला पहले बाद में साफ करो, पहले पाइप लेके ये आग को बुझाते। अब आग बुझाने के लिए जब पाइप हम लोग यहाँ पर लेकर आए, तो शटर बंद होने के कारण अंदर वो आग बढ़ती 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 चली गई। टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, एक 5 मिनट के अंदर वो आग से इतनी बड़ी आग हो गई कि वो पूरे गाले का जो शटर था वो पूरा लाल हो गया। लाल होने के बाद हम लोग शटर तोड़ने की कोशिश किए, शटर टूटा नहीं। अब वो इतनी आग की तपिश थी उधर पे कि आदमी खड़े नहीं हो सकता, जैसा कि आप हाल देख रहे। अब यहाँ पे जब जैसे तैसे करके जब पानी मोटर लाइन पे चल रहा था, थोड़ा बहुत पानी मार के हम खत्म किए, उसके अंदर जब वो ऑयल भी थे, उनके कचरे काले ऑयल होते, वो सारों में भी आग लग गई। फिर नीचे से जब ऑयल बाहर आने लग गया उसमें से भी आग चालू हुई। बाजू में एक लेत की दुकान थी, वहाँ से गैरेज से चालू होकर लेत वाली दुकान में आग गई। लेत वाली दुकान से उसके बाजू में एक पूरी एसेसरीज की दुकान थी गैरेज की, वो पूरी भरी पड़ी थी बेचारी की, उसकी भी दुकान पूरी जल गई। फिर जो टायर का मामला आया आखिरी में, टायर वाली थी, उसमें पूरा टायर भरा हुआ था। जैसे तैसे करके बाहर का हम लोग जितना टायर उठा सके उठा लिए, उठा के देख रहे हैं आप, यहाँ सब नीचे हमने फेंका है, मगर अब नहीं हो पाया। वो टाइम पे इतना फास्ट आग लगी है कि उसमें कुछ समझ नहीं आया, जितना समझ सके कि आग कैसे लगी, कैसे शॉर्ट सर्किट के कारण ही हो सकता है, क्योंकि हम शटर बंद था, मालूम भी नहीं पड़ा क्या, वो बंद शटर के अंदर आग चालू हुई। अब वो बंद शटर खोलते खोलते हम लोग से भूला नहीं, 5 से 10 मिनट में आग पूरी बेकाबू के बाहर हो गई। कितने गाले लगभग जले होंगे? तकरीबन अभी ये जो रोड के ऊपर के गाले हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 5 गाले तो रोड में गए हुए, और पीछे के ऊपर और 5 से 6 गाले थे, 11 गाले के ऊपर वो काफ़ी नुकसान हो गया सबका। एक तो ऐसे ही लॉकडाउन से सब उठे, अभी जैसे तैसे करके अपना कारोबार चालू करते, अभी एक अलग मसला आ गया आदमी के। दमकल विभाग को फ़ोन किया गया, दमकल विभाग क्विक था, मगर ट्रैफिक के वजह से, नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे चलता है सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। शायद अगर दमकल फायर ब्रिगेड और पहले आ जाती तो और 4 से 5 दुकान वालों का नुकसान हम बचा सकते थे। यानी कि टोटल 8 से 10 गाले के ऊपर ही है। लास्ट जाके हमने वहाँ पीछे का एक पानी का गोदाम था उसको बचाया, वहाँ आग जाके खत्म हुई। अब ये टायर की दुकान में जो आग लगी है, बस इसी को बुझाने का प्रयास चालू है। तो आपने सुना जिस तरह से जो इमरान जो कौसर होटल के मालिक है, उनका कहना है कि यहाँ एक गरीब की दुकान थी, वहाँ से आग लगा। हालांकि इन्होंने बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए और ये आग जो है एक भयानक रूप मिली और करीब 8 से 10 गाले जो है बताए जा रहे हैं कि इसी तरह से जलकर राख हो गए। बहरहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जो ट्रैफिक है, जो सील का इलाका है और वाई जंक्शन से, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है ट्रैफिक में फंसी हुई थी और काफ़ी मशक्कत के बाद अब जो है आग बुझाने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। दमकल के कर्मचारी जो है आग बुझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अब आग जो लगी है वो बताया जा रहा है, जो यहाँ पर इमरान है उन्होंने बताया कि आग जो लगी है वो बहरहाल शॉर्ट सर्किट लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। कैमरा मैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।